नमस्कार जैन साथियों, आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2024 के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के पश्चात आप सभी युवा सेकेंड फेज बोले तो रैली भर्ती के लिए तैयारियों में लग गए होंगे। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के ऊपर देश के सभी एआरओ की जो सेकेंड चरण है बोले तो फिजिकल की, मेडिकल की, जो आगे की प्रक्रियाएं हैं उनको लेकर तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, टेंटेटिव शेड्यूल भी सामने आ चुका है। आपके एआरओ के टेंटेटिव शेड्यूल जारी होने के पश्चात देश के कई ऐसे एआरओ हैं जिनमें आने वाले समय में उन तारीखों में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एआरओ पालमपुर की रैली भर्ती प्रक्रिया में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उसके बारे में मैं अवगत आपको करवा देता हूं। एआरओ पालमपुर की जो सेना भर्ती है साथियों, पहले जो है निर्धारित तारीख जो थी वो 28 जून से 8 जुलाई 2024 के मध्य थी, अब ये रैली भर्ती जो है आपकी 27 जून से होगी। दोस्तों आपको फिर रिपीट कर देता हूं, ये रैली भर्ती 27 जून से शुरू होगी और 8 जुलाई 2024 तक चलेगी। और आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो पालमपुर, कांगड़ा या चंबा से हैं, या बोले तो अंबाला जोन से पालमपुर एआरओ के अंतर्गत है, जिनकी रैली भर्ती धर्मशाला के स्पोर्ट्स वेन्यू पर प्रस्तावित है। अब इस रैली भर्ती में आपको फिर रिपीट कर देता हूं, ये रैली भर्ती 28 जून से शुरू होनी थी, अब ये भर्ती एक दिन पहले जो है वो शुरू हो जाएगी। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो यहां पर अपने अपने एआरओ का नाम कमेंट करेंगे कि क्या सर हमारे एआरओ की तारीख जो है, जो तारीखें बताई गई है, क्या उसी तारीख पर होने वाली है। देखिए, जिन भर्ती प्रक्रियाओं को पहले आयोजित किया जाएगा, जो रैली भर्तियां पहले आयोजित होगी, अगर उनमें किसी भी तारीख का कोई भी बदलाव होगा, कोई भी संभावना हमारे लिए सामने आएगी या जो ऑफिशियल अपडेट आएगी, तो हमारा फर्ज है कि वो तुरंत आपके सामने साझा करना। यह भर्ती पूरे भारत में सबसे पहले, इस बार 2024 की भर्ती प्रक्रिया जो है रैली का जो सेकेंड चरण है उसमें सबसे पहले आयोजित होने वाली भर्तियों में से एक है, और इसमें जो बदलाव हुआ है वो बदलाव हमारे सामने आया है, और वो डेट जो चेंज हुई है मैंने आपके इस वीडियो के से साथियों साझा कर दी है। आपका फिजिकल किस महीने में है, इसको लेकर कोई भी अगर हमारे सामने कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, सबसे पहले एडी आर्मी पॉइंट साथियों आपके साथ साझा करने की कोशिश करता है। अब यहां पर चर्चा करते हैं आपके दूसरे चरण में बोले तो रैली भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले एक महत्वपूर्ण टेस्ट की। जी हां, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की। बहुत सारी इसको लेकर सोशल मीडिया पर बातें चल रही है, कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि यह टेस्ट एकदम ईजी है, बहुत सारे लोग जो है इसको अलग अलग वे में आपको बता रहे हैं। एडी आर्मी पॉइंट पिछले साल जुलाई से आपको प्रॉपरली बता रहा है कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो भारतीय सेना में लागू होने वाला है। पिछले साल जुलाई से लेकर अब तक इस टेस्ट को लेकर लगभग जो रूपरेखा है साथियों हमने आपके साथ साझा की है। जो व्यक्ति आपको इस वक्त ये बता रहे हैं कि ये टेस्ट जो है एकदम इजी है, इस टेस्ट में बाहर नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूं बहुत सारी कंडीशंस जो है वो अलग रहने वाली है। पिछले साल के ट्रायल बेस को अगर देखा जाए तो उसका एक सीधा सा यही कंडीशन आपके लिए लागू होगी आपके ऊपर, कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को लेकर जितनी भी सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि ये टेस्ट इजी है, तो आप एक बात मान के चलें उदाहरण के तौर पे कि सी भी इजी था, सी के प्रश्न जो थे आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो था, आर्मी का एग्जाम जो था, उसके प्रश्न भी आपके लिए इजी थे। प्रश्नों का लेवल अगर आप देखें तो खुद एक बार आंकिएगा कि वो भी इजी था, फिर भी क्या कंडीशन रही आप सबको पता है। ऐसे ही साथियों आपके लिए यहां पर फिजिकल की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको 5:45 का पूरा समय दिया जाएगा। पिछले साल एडी आर्मी पॉइंट ने आपके लिए कई सारी जगह से कवरेज की थी, आपने वहां से देखा होगा कि टाइम जो है वो कैंडिडेट्स को पूरा दिया जाता है, फिर भी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप उसके लिए प्रैक्टिस छोड़ देंगे। मैं आप सभी से फिर से अपील कर रहा हूं कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को सीरियस लीजिए। बहुत सारे साथी जो है अभी भी इसको सही तरीके से नहीं ले रहे, कुछ कह रहे हैं कि एकदम ईजी वे में है। देखिए, हो सकता है ये ईजी वे में है, लेकिन यहां पर भी कैंडिडेट जो है वो फेल होकर बाहर आएंगे। और फिर रिपीट कर देता हूं, इस टेस्ट में फेल होने वाले कैंडिडेट सीधे भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे, उनको मेडिकल के लिए भी नहीं भेजा जाएगा, जो पास होंगे उन्हीं को आगे भेजा जाएगा। तो सभी जितने भी साथी हैं इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, और ऑफिशियली तरीके से इस बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, एडी आर्मी पॉइंट के साथ इस टेस्ट को पास करना चाहते हैं, तो हमारा एक बैच जो है स्पेशली इसी को लेकर लॉन्च हो गया है। 2 दिन पहले इसकी क्लासेस शुरू हुई है। अगर अभी तक आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है साथियों, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। हमारे एप्लीकेशन का लिंक यहां पर हमने आपके साथ कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। सभी साथी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, और उसके पश्चात बाय नाउ जो ऑप्शन है उसमें जाके आप उस बैच को ले सकते हैं। सभी भावी फौजियों से अपील है कि किसी भी चरण को आप हल्के में ना लीजिए, क्योंकि फिजिकल, मेडिकल और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मनोवैज्ञानिक तौर पर आप पूर्ण रूप से फिट रहें, तभी जाके आप सिलेक्शन के उस दौर में खुद को ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आप किस एआरओ से इस बार भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं,
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। अपने मेजबान धनेश को यहां दीजिए इजाजत। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई सही सटीक लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप एडी आर्मी पॉइंट परिवार की सभी मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। हमारे यूट्यूब परिवार के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शुक्रिया।